अरे मार मार के ये मेरा कीमा बना देंगे। अरे भागो मैडम, भागो, क्या सोच रही हो? अरे भागो। अरे इतने रात को तुम किधर घूम रही हो मैडम? ये कोई टाइम है? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और मैं नहीं जाने वाली थी, पर दोस्त जबरदस्ती करके लेके गए। मुझे वहाँ से निकलते निकलते लेट हो गया और वहाँ से आते समय कोई ऑटो भी नहीं मिली। वैसे भी हर रोज कॉलेज से घर आते वक्त ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, हर रोज फॉलो करते हैं। अरे अरे रोना बंद करो मैडम, आप जैसी सुंदर लड़की के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मैडम। अरे इतने मासूम चेहरे पे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए, आंसू नहीं होने चाहिए। आप खाली मेरे को इतना बताओ कि आपको किसने छेड़ा? आप वो जो ब्लू शर्ट में है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है। ऐसे करूंगा वैसे करूंगा कहकर डराते रहता है। प्लीज सर, हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी सर। ओके मैडम, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मारूंगा, खाली एक कंडीशन है, अगर मैं उनको पीटूंगा तो कोई बात नहीं, अगर इन केस वो लोग मुझे पीटेंगे तो आप पलट के नहीं देखोगे। इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपको, समझ गए ना? अगर आपने देख लिया ना तो बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी ना। जो बोला समझ गए ना? गुड गर्ल, आ जाओ उस बेंच पे जाके बैठ जाओ और इन लोगों की मैं कैसी वाट लगाता हूँ वो देखो, ठीक है ना? अपन कौन है, क्या है, बीच में क्यों आया है, ये तुम लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो पूछो कि मैं कौन हूँ। एक धासु पंच डायलॉग मारूंगा, जल्दी पूछो कौन हूँ मैं। अरे कौन है तू? भगवान, भगवान, भगवान है ये। कहाँ का भगवान है रे तू? सबको संभालने वाला, गरीबों का मसीहा, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला जंगल का शेर हूँ मैं, इस शहर का राजा हूँ मैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि जो सच्चा ईमानदार होता है वही भगवान होता है, और मैं वही भगवान हूँ, समझे? Introducing इतने जोर से फटके दूंगा मुझे भी नहीं पता था, ऐसे ही मारता रहूंगा तो रजनीकांत बन जाऊंगा। तू कहाँ जा रहा है? सर, सर, अकेली लड़की को छेड़ता है, हीरो बनता है? सर सर, मैं आपका फ्रेंड हूँ सर। अबे तेरे जैसा फ्रेंड बनाने के लिए अपन का दिमाग खसका है क्या? फेसबुक पे सर। अबे झंडू, आज ही घर जाके तेरे को अनफ्रेंड करता हूँ तेरी। सुबह ही आपकी फोटो को लाइक किया सर। अबे तुम्हारे जैसे लोग सोशल मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। सॉरी बोल उसको, अकेली लड़की को छेड़ता है। दीदी बोल, बोल सॉरी। दीदी माफ कर दो दीदी। मार खाने के बाद पहन याद आ रही? अकेली लड़की देख के छेड़ते हो और मार खाने के बाद दीदी याद आती है तुम लोग को? आपका
आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं आ रहा। पानी पिला के आपने मुझ पे बहुत उपकार किया मैडम। मैडम वो टाइट होके फाइट करके फुल दिमाग घूम गया मैडम। आपको बुलेट चलाने आती है क्या? आप बुलेट चला के मुझे अपने घर तक ड्रॉप कर दो ना मैडम। चलिए ना प्लीज मैडम, बाद में आप घर पे लेके जाओ, सुबह मैं कलेक्ट कर लूंगा। सर मैं लड़की हूँ सर। मैंने कब नहीं बोला, इसीलिए तो वो लोग आपका पीछा कर रहे थे ना मैडम। नहीं मेरा मतलब है मुझे बुलेट चलाना नहीं आता। अरे क्या मैडम, आजकल की लड़कियां ट्रक बस प्लेन सब कुछ चला लेती है, गांव की लड़कियां ट्रैक्टर चला के खेती करती है, और आप भी। मैडम आप बुलेट चलाइए, नहीं आती तो मैं सिखाता हूँ आपको, मैं सिखाऊंगा ना आपको बुलेट। और मैडम इधर जो भी लफड़ा हो गया ना वो घर पे नहीं बताने का, घर वाले टेंशन लेते हैं। आराम से घर जाइए, ऑटो। क्या बात है, आपने ऑटो बुलाया और ऑटो फौरन आ गया। अरे शंकर का सर्कल है मैडम। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच। हीरो का इंट्रोडक्शन भी हो गया, गुंडे आ गए, पिट के चले भी गए, लड़की आ गई, इम्प्रेस भी हो गई। अब तक अपन जो बोल रहा था वही सब कुछ हो रहा था, और ये वही कहानी है जो बता रहा था, समझे? इनसे मिलिए, इनका नाम है शंकर, शंकर पी बंडे। और इनसे मिलिए, ये है सुनील बाबू, प्यार से लोग इन्हें अन्ना कहते हैं, हाथी का बच्चा है ये। क्या भैरवा कैसा है भाई, शशि कहाँ है? hey, अशोक ओवर एक्टिंग बहुत हो गया, बस कर भाई। बोलो ना क्या काम है? शशि कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मैं उसके पास गया था, भाऊ उसकी तबीयत खराब है, बुखार आया हुआ है, सो रहा है। ऐसा क्या? अरे वो रंग ना 4 महीने से ना ही असल दे रहा है ना ब्याज, फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है, जाके पता कर क्या बात है। भगवान के सामने भगवान आया है, हार दे रहे हैं। मेरे भगवान तुझे किसी की नजर ना लगे, डांस हो जाए। हाँ। मजा रहा है? ये घर में जितना भी सामान है बाहर उठा के फेंक दो, समझे? आ जा रहे। रुक जाओ। ये अपने पहचान वाले का घर है, मैं पर्सनली हैंडल करूंगा, आराम से जहाँ से उठाया वहीं पे रख दो, समझे? ये तो गुलाब का फूल बहुत अच्छा है मैडम, सोचा था कि चोरी करके ले जाऊंगा, मगर अभी आपने देख लिया है तो चोरी कैसे कर सकता मैडम। डैडी घर पे है ना? हाँ है। कौन हो बेटा तुम? बेटा तो अब तक हुआ नहीं अंकल। मेरे कहने का मतलब है कि तुम कौन हो? शिंदे का आदमी हो। सुनो एक मिनट बेटा, शिंदे भाऊ से अभी बात करता हूँ। अंकल आप टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा, आप बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ ना अंकल। अंकिता हाँ? जरा कॉफी बना दो बेटी। मैं शिंदे भाव से खुद ही बात करने वाला था। करने वाले थे, किया नहीं ना। आपको जब तकलीफ होती है तो हमारे पीछे पीछे घूमते हो, और जब काम हो जाता है तो हमें बाहर खड़ा रखते हो। ब्याज के लिए असल के लिए आपके आगे पीछे घूमना पड़ता है, और आप जैसे लोगों की वजह से हम बाकी लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। अरे अंकल इसी वजह से हमारे धंधे की वाट लग रही है, समझे? ये सब ठीक है क्या अंकल? अगले महीने सारे पैसे दे दूंगा बेटा। देखो ना अंकल, मैं भी पागल ही हूँ, आप तकलीफ में थे इसलिए आपने हमसे पैसे लिए। अगर मैं आपसे कहूँगा कि अंकल पैसे दो, आप कहाँ से लौटाओगे अंकल? सही कहा ना। अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपके हिस्से का 3 महीने का ब्याज भर देता हूँ, बाद में आप रिटर्न कर देना, लेकिन अगले महीने से ब्याज टाइम पे भर देना अंकल। भरोगे ना? कैसे होगा बेटा? अरे सब हो जाएगा अंकल, मैं आपकी बेटी को जानता हूँ। हाँ? और वैसे भी अपन एक फैमिली के जैसे अंकल, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहिए ना, वही अपन कर रहा है। क्या हुआ? तो तुम यहाँ पर मेरे पापा को धमकी देने आए थे? वो तुम्हारे पापा इसलिए छोड़ दिया मैडम। तुम बड़े गुंडे हो क्या? इतना बड़ा भी नहीं, छोटा मोटा गुंडा हो। और वैसे कॉफी बहुत फीकी थी, शुगरलेस थी क्या? लगता है पापा की कॉफी मुझे पिला दी, अगली बार आऊंगा तो मीठी होनी चाहिए तुम्हारी तरह। गुलाब बहुत अच्छा है,
अभी तो एक ही है, और आएंगे तो उसमें से एक मुझे दे देना। चलो चलता हूँ। ए भाई लोग, ये अपने पहचान का घर है, आज के बाद इधर वसूली करने के लिए आने का नहीं, समझा ना? आया ना तो तू खर्च हो जाएगा। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा ससुराल है। अरे तेरे को जितना बोला उतना करना, दिमाग मत चला, गाड़ी स्टार्ट कर।